पूरे देश में अब लाउड स्पीकर से हनुमान चालीसा पढ़ने का मामला बढ़ता दिखाई दे रहा है। मुंबई, वाराणसी और अब अलीगढ़ में भी हनुमान चालीसा पढ़ने का जोर साफ तौर पर दिखने लगा है। अलीगढ़ के 21 चौराहे पर भजन और हनुमान चालीसा बजाने के लिए एबीवीपी कार्यकर्ता लाउड स्पीकर लगवाने की तैयारी में जुट गए हैं। यह ऐलान खुद एबीवीपी के पूर्व प्रदेश मंत्री बलदेव चौधरी सीटू ने किया। ये काम वे जन सहयोग से धन संग्रह कर करेंगे और बकायदा प्रशासनिक सहमति से उन 21 चौराहों पर ये लाउड स्पीकर लगवाए जाएंगे। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के पूर्व प्रदेश मंत्री बलदेव चौधरी सीटू इसके लिए लोगों से चंदा मांग रहे हैं। उनका कहना है कि जन सहयोग से चंदा इकट्ठा करके लाउड स्पीकर लगवाए जाएंगे। बलदेव चौधरी ने बताया है कि इसकी शुरुआत कर दी गई है। पूरे शहर में घूम घूम कर चंदा जमा किया जा रहा है। इसके अलावा हिंदूवादी संगठन बाजारों में निकलकर लाउड स्पीकर लगाने के लिए चंदा मांग रहे हैं। 4-5 दिन पहले शहर के प्रमुख चौराहों पर ऐसे 21 चौराहों पर लाउड स्पीकर चलाकर हनुमान चालीसा एवं हिंदू धर्म से संबंधित देशभक्ति गीत एवं गीत बजाने के लिए ऐलान किया था। उसके लिए हम लोगों ने कहा था कि हम ये पैसा समाज से एकत्रित कर ऐसे 21 स्थानों पर लाउड स्पीकर बजवाने का काम, हनुमान चालीसा चलाने का काम हम लोग करेंगे। तो उसके लिए आज धन संग्रह का कार्यक्रम किया गया है। कहाँ कहाँ से आपने धन संग्रह किया है? ये हम लोगों ने अचलताल स्थित रामलीला मैदान से शुरुआत करके यहाँ पर सर्व समाज के लोगों से, चाहे वो दुकानदार हों, चाहे जूता गढ़ने वाले हों, चाहे कर्मचारी हों, ऐसे सब लोगों से धन एकत्रित कर रहे हैं 21 लाउड स्पीकरों के लिए। बता दें कि इससे पहले भी अलीगढ़ में लाउड स्पीकर पर अजान के विरोध में मंदिरों के बाहर हनुमान चालीसा पढ़ी गई थी, जिससे अलीगढ़ का माहौल गर्मा गया था। उस समय गैर हिंदुओं को लाउड स्पीकर पर अजान और सड़क पर नमाज पढ़ने का विरोध किया गया था। तब हिंदूवादी संगठनों ने रोड पर महाआरती भी की थी। बता दें कि महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना प्रमुख राज ठाकरे ने मुंबई के ठाणे में आयोजित रैली में कहा था कि मैं नमाज के खिलाफ नहीं हूं, आप अपने घर पर नमाज पढ़ सकते हैं, लेकिन सरकार को मस्जिदों से लाउड स्पीकरों को हटाने का फैसला लेना चाहिए। मैं अभी चेतावनी दे रहा हूँ, लाउड स्पीकर हटाओ, वरना मस्जिद के सामने लाउड स्पीकर लगा के हनुमान चालीसा बजाएंगे। मुंबई के ठाणे की एक रैली में राज ठाकरे ने अपनी मांग दोहराते हुए कहा था कि मस्जिदों में लाउड स्पीकर हटाए जाने चाहिए। इसके लिए महाराष्ट्र सरकार को 3 मई से पहले कार्रवाई करने का अल्टीमेटम दिया गया है। अगर राज्य सरकार ने 3 मई से पहले मस्जिदों से लाउड स्पीकर नहीं हटाए तो मन से कार्यकर्ता मस्जिदों के सामने हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। इसी विवाद के बाद पूरे देश में मंदिरों में लाउड स्पीकर का विरोध किया जा रहा है। पंजाब केसरी टीवी के लिए अलीगढ़ से अर्जुन की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।